इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का। इंटरव्यू टू ANI सेइंग इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग, एवरीबॉडी नोज हु हैज डोनेटेड व्हाट एंड नाउ। भैया इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है, उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके ANI के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। राहुल जी कह रहे हैं जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। नहीं, विरोध की बात नहीं है। देखिए, आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद सीबीआई इंक्वायरी बंद हो जाती है, पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये भी प्रधानमंत्री समझा दे। देखिए, सच्चाई है कि एक्सटॉर्शन है और नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरा मास्टरमाइंड। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।